Hello everyone, this is D. Shah welcoming you to this chance every day. Today I am going to take English grammar of class 9 and the topic is subject verb conquer. Today I am going to take part 4 of this lesson. Already I have taught you part 1 to part 3 of this lesson. So let's begin part 4 of English grammar subject verb conquer of class 9. Rule 16. Today I will begin from rule 17. When we use words like a lot of, all, some, etc., the verb used in singular or plural depending on the subject after of. जब हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे ए लॉट ऑफ या ऑल सम, तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर या प्लूरल में जो यूज होता है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिपेंड करता है आफ्टर सब्जेक्ट आफ्टर ऑफ, ये जो ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें। ए लॉफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे, ऑल का मतलब सब या सभी, सम मींस कुछ। तो ढेर सारे की बात हो रही है यहां पर। ए लॉट ऑफ केक इज इन द किचन, यहां इज का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। लॉट ऑफ केक मतलब मानिए एक केक है, एक केक है, और एक केक का मानिए इतना सारा यूज हो गया है। तो ये पार्ट जो बचा है इसके बारे में बात हो रहा है, एक केक ही है, यहां एक केक का बात कर रहे हैं, अनेक केक का नहीं, एक केक है और उसका इतना भाग यूज हो चुका है, इतना बचा हुआ है, इसीलिए यहां ए लॉट ऑफ केक मतलब एक केक के जो जितने भाग बचे हैं अभी और उसका अभी ढेर सारे बचा, एक केक का जो टुकड़ा है, एक केक का जो पीस है उसमें बहुत केक बचा हुआ है। केक बहुत बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, जो भी है, लेकिन केक ए सिंगुलर है, ए सिंगुलर सब्जेक्ट है केक, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है इज। ए लॉट ऑफ केक्स आर इन द किचन माने एक केक नहीं, अनेक केक है किचन में, ये एक है, ये एक है, फिर ये एक है, तो ढेर सारे केक है किचन में। तो यहां केक सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है आर का। सो ए लॉट ऑफ केक्स आर इन द किचन, ठीक है, तो ए लॉट ऑफ केक्स हो गया, ए लॉट ऑफ केक हो गया। ए लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजेंट टूडे, ए लॉट ऑफ पीपल मतलब ढेर सारे लोग आज उपस्थित हैं। तो पीपल क्या है, पीपल इज अ प्लूरल, पीपल क्या है प्लूरल, इसका सिंगुलर होगा पर्सन, पीपल का सिंगुलर होगा पर्सन, तो एक आदमी, पर्सन लिखा रहता तो एक आदमी अगर पर्सन की बात होती तो, लेकिन ये ढेर सारे लोगों की बात हो रही है एंड इट इंडिकेट्स प्लूरल, सो आर इज यूज्ड। A lot of food was wasted in the party. Lot of food. Food क्या है, यहां singular के रूप में लिया गया है, इसीलिए यहां singular verb was यूज हुआ है, were नहीं यूज हुआ है, ठीक है, food यहां singular है। A lot of things have disappeared. यहां have क्या है, plural verb है, और things क्या है, थिंग्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ये नाउन जो है, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। लॉट ऑफ थिंग्स हैव डिसअपीयर्ड मतलब मान ले लीजिए ये बक्सा है, ये बक्से में ढेर सारे चीज है, ढेर सारे चीज है, ढेर सारे चीज है बक्से में, तो ये हो गया लॉट ऑफ थिंग्स, ये लॉट ऑफ थिंग्स हैव डिसअपीयर्ड मतलब ढेर सारी चीज है बक्से में। ए लॉट ऑफ थिंग हैज Disappeared. एक चीज की बात हो रही है, या थिंग यहां सिंगुलर है,
इसीलिए हैज का यूज हुआ है, क्योंकि यहां थिंग सिंगुलर है, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इसीलिए इसका साथ सिंगुलर वर्ब लगा है हैज। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यू सी ऑल से वह तो था अलॉट ऑफ से, अलॉट ऑफ वाली बात हम लोग किए थे, अब ऑल, ऑल मीन्स सब, ऑल ऑफ द केक इज ऑन द डाइनिंग टेबल, मतलब वही एक केक है, केक का मानिए इतना यूज हो गया है और इतना बचा हुआ है, तो ये सिंगुलर केक से रिलेटेड है, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ है सिंगुलर वर्ब का, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द केक्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे केक है, एक नहीं अनेक केक है, ये एक है डाइनिंग टेबल पे, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, इस प्रकार से ढेर सारे केक है डाइनिंग टेबल पर। ठीक है, इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ केक्स, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का उपयोग किए हैं। ऑल ऑफ पीपल हैव कम टूडे, ढेर सारे, मैं बहुत सारे लोग हैं, ऑल ऑफ पीपल मतलब ढेर सारे लोग आज आए हैं, तो पीपल क्या है, ये ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो जिस प्रकार सेंटेंस है, जिस प्रकार सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से वर्ब का यूज हुआ है। ऑल ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, फूड की बात कर रहे हैं, एक प्लेट मान लीजिए, एक थाली है, ये एक थाली है, इसमें ढेर सारे फूड है, ढेर सारे भोजन है, तो एक थाली में जितने भोजन है पूरे वेस्ट हो गए, तो एक थाली की यहां बात हो रही है, थाली में, एक थाली में जो भोजन है, इसलिए फूड क्या है, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब वॉज यूज हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ द थिंग्स हैव डिसअपीयर्ड, ऑल ऑफ द थिंग्स, थिंग्स बोलने से ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का, प्लूरल वर्ब का उपयोग हुआ है, इसीलिए यहां हैव लगा है। All of the thing has disappeared. All of the thing मतलब एक कोई बक्से पर कोई बक्सा है, हाँ, बक्सा में कोई एक चीज है, हाँ, कोई एक चीज है, तो जो भी चीज है वो गायब हो गया है। ठीक है, एक चीज की बात हो रही है, वन थिंग की, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है इसका। क्लियर। नेक्स्ट, अब सम ऑफ, मैंने सम ऑफ का भी बात किया था, तो सम ऑफ वाला एग्जांपल देख लीजिए, सम ऑफ द केक इज मिसिंग, मतलब एक केक है, इतना यूज हो गया है, मान लीजिए इतना बचा हुआ था, या समझ लीजिए इतना यूज हुआ है और इतना बचा हुआ है, थोड़ा सा, सम ऑफ का मतलब थोड़ा सा केक गायब है, ये पोर्शन गायब है, मानिए ये पोर्शन गायब है, एक केक की बात हो रही है, एक केक का इतना पोर्शन गायब है, तो केक यह क्या है, ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, केक जो है सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सो इज का प्रयोग हुआ है। सम ऑफ द केक्स आर मिसिंग, ढेर सारे केक का बात हो रहा है, एक नहीं अनेक केक है, मानिए एक टेबल पर ढेर सारे केक रखे हुए हैं, इसमें से मानिए कि छह केक है, छह केक में हो सकता है दो केक मिसिंग है, इसीलिए कहा गया है कुछ केक गायब है, और केक्स क्या है, यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, सम ऑफ द पीपल हैव कम टूडे, सम ऑफ द पीपल, कुछ लोग आज आए हैं,
तो कुछ लोग क्या है, पीपल क्या होता है, पीपल ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, सम ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, मानिए एक थाली में जो फूड है उसमें से थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो फूड क्या है, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसका यहां पर सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज हुआ है, नहीं तो प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वेयर का यूज होता। सम ऑफ द थिंग्स हैव डिसअपीयर्ड, थिंग्स क्या है यहां, यह प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए हैव जो है प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सम ऑफ द थिंग हैज डिसअपीयर्ड, एक कोई चीज है जो कि गायब हो गया है, हाँ एक चीज है गायब हो गया है, इसीलिए यहां हैज का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एंड अदर सिमिलर वर्क्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। बुक का जो टाइटल होता है, जो नाम होता है, मूवी का जो नाम होता है, नॉवेल्स का जो नाम होता है और उसी के जैसा कुछ और वर्ड्स होते हैं उसको सिंगुलर माना गया है और हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो सो रिगार्डिंग द टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एंड अदर सिमिलर वर्क्स टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द पंचतंत्र हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज, पंचतंत्र इज द नेम ऑफ ए बुक, ओके इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो पंचतंत्र जो है ये किताब का नाम है, सीरीज ऑफ बुक्स, ए सीरीज ऑफ स्टोरीज का नाम है जिसमें ढेर सारी कहानियां हैं, तो पंचतंत्र एक किताब का नाम है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज जो वर्ब जो यूज हुआ है, हैज यूज हुआ है और सिंगुलर वर्ब का उपयोग हुआ है। ठीक है, अगर ये प्लूरल रहता तो हैव का यूज होता। एसोप्स फेबल्स, एसोप्स फेबल्स भी एक कलेक्शन ऑफ बुक, कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक का नाम है जिसमें ढेर सारी कहानियां हैं, एसोप्स फेबल्स, तो यहां भी इज का प्रयोग किया गया है क्योंकि एक बुक का चर्चा है, एक किताब का नाम है एसोप्स फेबल्स, ठीक है, और उसमें ढेर सारे कहानियां हैं तो एक किताब का नाम है इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, वदरिंग हाइट्स इज अ फैसिनेटिंग नॉवेल, वदरिंग हाइट्स एक नॉवेल उपन्यास का नाम है, एक किताब है और एक उपन्यास का नाम है और एक किताब का नाम है इसीलिए सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, ट्रेजर आइलैंड इज रिटन बाय आरएल स्टीवेंसन, ट्रेजर आइलैंड इज द नेम ऑफ ए बुक व्हिच इज रिटन बाय आरएल स्टीवेंसन एंड ट्रेजर आइलैंड इज द नेम ऑफ अ सिंगुलर बुक, या सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई इज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड ओवर हियर। नेक्स्ट, जूलियस सीजर इज अ फेमस बुक बाय शेक्सपियर, जूलियस सीजर एक किताब का नाम है एंड दिस इज सिंगुलर इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, देख पा रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। सात हिंदुस्तानी इज अ फेमस फिल्म ऑफ अमिताभ बच्चन, सात हिंदुस्तानी एक फिल्म का नाम है, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस फिल्म है, तो एक फिल्म की का नाम है, एक या सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, द पार्क इज अ फेमस फाइव स्टार डीलक्स होटल ऑफ कोलकाता, द पार्क इज द नेम ऑफ ए होटल, अ सिंगल होटल एंड द होटल इज सिंगुलर एंड द नेम ऑफ द होटल, आई मीन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड ओवर हियर। सो नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड बाय अ क्लॉज और अ लॉन्ग फ्रेज, द वर्ब मस्ट एग्री विद द एक्चुअल सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट और वर्ब सेपरेट
किया जाता है उसको, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ क्लॉज, उसमें क्लॉज आता है या एक लॉन्ग फ्रेज आ जाता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, द वर्ब मस्ट एग्री विद द एक्चुअल सब्जेक्ट, तो जो वर्ब जो है उसको एग्री होना पड़ता है, इट अलाइज इट एग्रीज विथ द एक्चुअल सब्जेक्ट, जो एक्चुअल सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करता है वर्ब, ठीक है, द सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज से सेपरेट हो जाता, अलग हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक क्लॉज या लॉन्ग फ्रेज आ जाता है तो जो वर्ब है वो एक्चुअल सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, ओके okay? जैसे देखिए, द आंट हु इज एंग्री टूडे इज यूजुअली वेरी गुड, वो आंट की बात कर रहे हैं, आंट मीन्स आंटी, जो कि हमेशा जो कि आज गुस्से में है, हु इज एंग्री टूडे, हु इज एंग्री टूडे इज अ क्लॉज, हु इज एंग्री टूडे इज अ क्लॉज, तो ये बीच का काम कर रहा है, इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, द आंट इज यूजुअली वेरी गुड, द आंट इज एक्चुअली इज यूजुअली वेरी गुड, तो एक आंट की बात हो रही है, एक आंट की बात हो रही है, द आंट मीन्स पार्टिकुलर वो आंट है, ठीक है, तो एक आंट की बात हो रही है या एक मेंबर की बात हो रही है आंट की, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है, इससे कोई बात नहीं, मेन सब्जेक्ट क्या है, द आंट, द आंट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, ओके, ऑल द सॉन्ग्स दैट शी सैंग ऑन द स्टेज आर एक्सीलेंट, दैट शी सैंग ऑन द स्टेज, दिस इज अ क्लॉज, दिस इज अ क्लॉज, That she sang on the stage, ये क्लॉज है, लेकिन एक्चुअल जो सब्जेक्ट है songs, all the songs, songs क्या है, ये एक्चुअल सब्जेक्ट है, तो सारे गाने, all the songs, मीन सारे गाने जो स्टेज पर गाई वो बहुत ही सुंदर है, एक्सीलेंट मीन्स बहुत अच्छा, ओके okay? तो यहां songs क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर नेचुरली प्लूरल वर्ब लगेगा, सो प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ओके, सो द एक्चुअल सब्जेक्ट इज सॉन्ग्स, द प्रेजेंट विच माय अंकल गेव टू मी इज वेरी नाइस, द प्रेजेंट विद द गिफ्ट, प्रेजेंट क्या है, दिस इज एक्चुअल सब्जेक्ट, ओके, द प्रेजेंट विच माय अंकल गेव, सब्जेक्ट तो पूरा हो गया ऐसे बोलने से, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट प्रेजेंट हुआ, और विच माय अंकल गेव टू मी, ये हो गया तुम्हारा क्लॉज, ओके, दिस इज अ क्लॉज एंड दिस इज इन द सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब, और प्रेजेंट बोलने से एक तोहफे की बात हो रही, एक गिफ्ट की, इसीलिए यहां सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, द फ्रूट्स दैट माय फादर बॉट यस्टरडे आर ऑल स्पॉइल्ड, फ्रूट्स, एक फ्रूट की बात नहीं हो रही है, ढेर सारे फ्रूट्स की बात हो रही है, ठीक है, और जो कि मेरे पिता ने खरीदा, दैट माय फादर बॉट, तो दैट माय फादर बॉट यस्टरडे, ये क्या हो गया, दैट माय फादर बॉट, ये हो गया तो आपका क्लॉज, सारे बर्बाद हो गए, तो फ्रूट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, माय ब्राउन स्टिंकी एंड एग्रेसिव पप्पी इज लॉस्ट इन द मार्केट, मेरी ब्राउन स्टिंकी मींस बदबूदार, एग्रेसिव मींस गुस्सैल, पप्पी मींस डॉगी, ये खो गया है, मतलब एक कुत्ते की बात हो रही है, माई ब्राउन स्टिंकी एंड एग्रेसिव पप्पी, ठीक है, एक कुत्ते की बात हो रही है, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, ओके। नेक्स्ट, रूल 20, रूल 20 की तरफ हम लोग रुख करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक फ्यू मेनी सेवरल एंड बोथ टेक द प्लूरल वर्ब, इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जैसे कि फ्यू मेनी सेवरल
और बोथ, ये हमेशा प्लूरल वर्ब इसके सामने लगता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फ्यू का मतलब अ स्मॉल नंबर ऑफ, फ्यू का मतलब हुआ अ स्मॉल नंबर ऑफ। मेनी का मतलब हुआ अमाउंटिंग टू अ लार्ज बट इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर है, डेफिनेट नहीं है। सेवरल का मतलब मोर देन टू बट नॉट मेनी। बोथ का मतलब दोनों, बोथ का मतलब दोनों। यूज टू रेफर टू टू थिंग्स और पीपल टूगेदर, बोथ का मतलब दो चीज या दो आदमी से की बात बारे में जब हम बात करते हैं तो बोथ का प्रयोग किया जाता है। सेवरल, सेवरल का मतलब अनेक हो गया। मोर देन टू बट नॉट मेनी मतलब दो से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सेवरल का मतलब बहुत ज्यादा नहीं। मेनी का मतलब है लार्ज नंबर, अमाउंटिंग टू लार्ज बट इनडेफिनेट नंबर, मतलब हो सकता है ये काउंटेबल ना हो, इनकाउंटेबल भी हो सकता है। ओके, कहीं कभी अनकाउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल भी हो सकता है काउंटेबल का जगह। जो काउंटेबल है उसके बारे में हम जान सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो अनकाउंटेबल थिंग्स को हम लोग मेजर करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, फ्यू का मतलब स्मॉल नंबर ऑफ, कम संख्या वाले, कुछ, जिसको कुछ बोला जाता है हिंदी में। ओके, तो इसके बारे में एग्जांपल्स देखेंगे। फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली लीव देयर होम एवरी ईयर, सॉरी इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, एवरी ईयर। ओके, फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली लीव देयर होम एवरी ईयर। फ्यू मेंबर्स, एक परिवार के कुछ लोग, परिवार में ढेर सारे लोग होते हैं, परिवार तो एक ही होता है, ढेर सारे परिवार भी होते हैं। मेनी फैमिलीज बोलने से वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली का बात हुआ है, एक परिवार के कुछ सदस्य। तो मेंबर्स जो है यहां प्लूरल नाउन है और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लीव का यूज हुआ है, ठीक है। अ मेंबर ऑफ द फैमिली लीव्स देयर होम एवरी ईयर, तो बात अलग रहता है, लेकिन फ्यू मेंबर्स का बात हो रहा है, जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां सिंगुलर वर्ब यूज होगा लीव, ठीक है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट, फ्यू स्टूडेंट्स आर ट्रेवलिंग नाउडेज, कुछ स्टूडेंट्स आजकल यात्रा करते हैं, कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फ्यू वेयर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हुआ था जिसमें कहीं एक जगह कहीं अर्थक्वेक हुआ था, तो कुछ लोग माने जीवित बच गए, तो कुछ लोग, फ्यू मतलब कुछ लोग हुआ, तो फ्यू यहां प्लूरल का काम कर रहा है, सॉरी यहां प्लूरल का काम कर रहा है फ्यू, इसीलिए यहां वेयर लगा हुआ है, वेयर क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। यहां देखिए, फ्यू कार्स आर पार्क्ड ऑन दिस रोड, फ्यू कार्स, कुछ कार्स, ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। I have few friends in the university. I के साथ तो have का प्रयोग होता ही है, first person singular के साथ has का प्रयोग नहीं होता है, have का प्रयोग होता है। और वैसे भी friends जो है, ये जो friends है ये अनेक की बात हो रहा है, माने एक से ज्यादा संख्या के friends के बारे में बात हो रहा है। I have few friends in the university, ठीक है, I have few friends, और इसी फ्रेंड्स की बात है जो कि संख्या ज्यादा है, एक से ज्यादा है, कुछ दोस्त की बात हो रही है, और आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है। मेनी और ऐसा ही फ्रेंड्स की बात हो रही है तो इसलिए भी फ्रेंड्स के बाद अगर लगता ये सॉरी वर्ब का बात होता तो प्लूरल वर्ब भी लगता, लेकिन आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। Many have lost jobs recently. Many, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। Many have means बहुत सारे लोग, यहाँ ऐसा many people बोलकर नहीं लिखा गया है, people is missing, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की बारे में बात हो रही है, इसलिए plural verb
लगा है। मेनी वेयर लेट टू द पार्टी, बहुत सारे लोग आए पार्टी में, जिसमें से ढेर सारे लोग, ज्यादातर लोग लेट में आए थे। तो मेनी पीपल के बारे में यह बात हो रहा है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब लगा है, क्योंकि यहां मेनी क्या इंडिकेट करता है, प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, इसीलिए प्लूरल वर्ब वेयर लगा हुआ है। मेनी आर गोइंग टू द पार्टी, बहुत लोग अभी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत सारे। तो मेनी फिर यहां प्लूरल को इंडिकेट करता है, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगा है। ओके, मेनी आर शाउटिंग इन द क्लास, मेनी या फिर प्लूरल को इंडिकेट करता है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब आर लगा हुआ है। सो यू कैन जस्ट सी द सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, हाउ दे एग्री इन नंबर एंड पर्सन, यू जस्ट कैन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन नंबर। नाउ यू सी मोर एग्जांपल्स आर देयर, सेवरल मेन के बारे में बात हुआ है, सेवरल का है, बोथ का, ये सब सारे एग्जांपल्स यहां दिए गए हैं। सेवरल मेन वेयर एबसेंट एट द वर्क साइट बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स विजिट, चीफ मिनिस्टर आए थे तो बहुत सारे लोग जो है एबसेंट थे, और काम करने के जगह पर वर्क साइट पर बहुत सारे लोग एबसेंट थे। तो हम मेन की बात कर रहे हैं, तो यहां मेन क्या हुआ, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वेयर का यूज हुआ है। Several of the parking spots need to be moved. Several of the parking spots, ढेर सारे parking spots है और उसको change करना होगा, उसको दूसरे जगह parking spot को बदलना पड़ेगा। तो several, ढेर सारे parking spots की बात हो रही है, देखिए यहाँ plural है spots, इसीलिए यहाँ need जो है singular verb के रूप में use हुआ है, need. Okay, spots जो है ये plural है। Several of the bus stands क्या है, ये plural subject को refer करता है, इसीलिए यहाँ need to be modernized. Several of the bus stands need to be modernized. इसीलिए need singular verb का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ plural subject है, ठीक है, sorry ये plural verb का use हुआ है, plural subject plural verb, okay? यहाँ भी देखिए plural subject plural verb, तो need क्या है, sorry ये प्लूरल वर्ब है, नॉट सिंगुलर, ये प्लूरल वर्ब है। नीड्स अगर एस लग जाता तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाता, अगर एक बस स्टैंड की बात होती तो यहां नीड्स लग जाता, एस लग जाता, एक ये नीड जो है ये प्लूरल वर्ब है। सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, देख पा रहे हैं। नाउ सेवरल ऑफ द ब्रिजेस हैड कोलैप्स्ड ड्यू टू द अर्थक्वेक, अगर यहां हम हैड के जो हैड क्या है पास्ट टेंस में, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या यूज होता है, हैड जब यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और जहां ये क्योंकि पास्ट टेंस है, हैड क्या है पास्ट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस रहता तो हैव का यूज हो जाता है, सेवरल ऑफ द ब्रिजेस हैव कोलैप्स्ड ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो ये ब्रिजेस जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैड का प्रयोग हुआ है। सेवरल पीपल केम टू द विलेज फेयर, यहां भी पास्ट टेंस केम का प्रयोग हुआ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, जब पास्ट टेंस की बात आती है तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंगुलर प्लूरल का। वन पीपल, ऐसा ही पीपल क्या है, पीपल क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस का यूज हुआ है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ उपयोग होता है। सेवरल गिफ्ट्स वेयर बॉट फॉर हर वेडिंग, सेवरल गिफ्ट्स, गिफ्ट्स क्या है, प्लूरल वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है वेयर। ओके, सेवरल पॉलिटिशियंस मेड स्पीचेस एट द गांधी मैदान, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं हम, तो पॉलिटिशियंस क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है मेड, सॉरी ये प्लूरल वर्ब नहीं है, सॉरी
ये पास्ट टेंस है, मेक का पास्ट टेंस है मेड। ओके, तो अगर यह प्लूरल वर्ब का उपयोग करना होता है ऐसा, सेवरल पॉलिटिशियंस आर मेकिंग स्पीचेस, अगर इसमें हम अगर प्लूरल वर्ब दिखाते तो ऐसा हो जाता, सेवरल पॉलिटिशियंस आर मेकिंग स्पीचेस। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो ऐसा होता है, आर मेकिंग स्पीचेस एट द गांधी मैदान, एट द गांधी मैदान। देखिए इस प्रकार से सेंटेंस बनता, अगर इसको प्रेजेंट टेंस में डालते तो आर हो जाता है, यहां ऑक्सिलरी वर्ब आर लग जाता, ठीक है, और मेक मेड मेकिंग में बदल जाता, इस प्रकार से आर लग सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पास्ट टेंस का यूज जो होता है, पास्ट टेंस वर्ब का रूप में जो यूज होता है, ये सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। बोथ वेयर वॉचिंग हर एज इफ सी वॉज ए टीचर, बोथ वेयर, बोथ मीन्स दोनों, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसीलिए यहां वर्ब जो है प्लूरल लगा हुआ है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर नाइस गिफ्ट फॉर हर, बोथ मतलब दोनों की बात हो रही है, एक से ज्यादा, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब का उपयोग किया गया है, बोथ ऑफ दीज आर नाइस गिफ्ट फॉर हर, तो यहां आर एज ए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहां भी देखिए, बोथ वेयर हेल्दी आफ्टर दे केम फ्रॉम द हिल स्टेशन, बोथ मीन दोनों वो हेल्दी पाए गए हिल स्टेशन से आने के बाद, तो यहां प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए प्लूरल वर्ब वेयर का यूज हुआ है। नेक्स्ट, बोथ टीम हैव इक्वल चांसेस टू विन, एक से ज्यादा टीम है, दो टीम है, दो टीम है, दो टीम की जब बात कर रहे हैं वहां प्लूरल वर्ब हैव लगा है। ओके, बोथ ऑफ देम प्ले द हारमोनियम वेरी वेल, यहां बोथ दोनों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, दोनों दोनों अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, तो प्ले क्या है, ये प्लूरल वर्ब लगा है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वेर रियली अपसेट, दोनों से माता पिता दोनों बहुत ही अपसेट थे, तो पेरेंट्स की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, दोनों माता पिता की, तो यहां प्लूरल वर्ब वर लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट रूल 21, इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक ऑल, मोर, मोस्ट, नन एंड सम यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे कि ऑल, मोर, मोस्ट, नन और सम, ये वर्ब का उपयोग सब्जेक्ट का यूज के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऑल, जहां ऑल है यूज टू रिफर टू द होल क्वांटिटी, ऑल का मतलब सब, सभी। मोर, मोर मीन्स अ ग्रेटर और एडिशनल अमाउंट ऑफ समथिंग, मोर मीन्स ज्यादा, ठीक है। मोस्ट मीन्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट और क्वांटिटी, जैसे अधिकांश बोला जाता है। नन मीन्स कोई नहीं, सम मीन्स एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और क्वांटिटी, अनस्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, पार्टिकुलर अमाउंट और क्वांटिटी नहीं है, उसको हम लोग सम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द पोटैटोज आर स्पॉइल्ड, सारे पोटैटोज, सारे आलू, तो पोटैटोज क्या है, यहां ये जो सब्जेक्ट है पोटैटोज, पोटैटोज की बात कर रहे हैं, ये प्लूरल में है, ठीक है, इसीलिए इसका साथ आर जो है प्लूरल वर्ब के यूज हुआ है, आर जो है प्लूरल वर्ब है। ओके, तो प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सारे पोटैटोज। ऑल ऑफ द बुक्स वेयर सोल्ड लास्ट वीक, जितने बुक्स थे वो सारे किताब बिक्री हो गए, तो बुक्स क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ प्लूरल वर्ब वेयर का यूज हुआ है। ऑल फाइव बॉयज लाफ्ड, एल यू है, सॉरी, ऑल फाइव बॉय लाफ्ड, जितने सारे पांच लड़के थे, सारे पांच लड़के हंसे, तो
बॉयज क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है और लाफ्ट क्या है पास्ट टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो पास्ट टेंस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल किसी के साथ हो सकता है। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ये सेंटेंस ऑल फाइव बॉयज वेयर लाफिंग, अगर यहां लाफिंग की बात रहती तो यहां वेयर प्लूरल वर्ब यूज होता। ठीक है, ऑल सी वॉन्टेड वॉज अ न्यू कार, जो भी चीज उसे चाहिए था वो क्या था, एक नया कार चाहिए था। ठीक है, तो ऑल सी वॉन्टेड वॉज ए न्यू कार, तो यहां वॉज जो है सिंगुलर वर्ब का यहां यूज होता है, क्यों शी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज हुआ है। नेक्स्ट, ऑल द पीपल आर प्रेजेंट टूडे, सारे लोग मतलब सारे लोग आज उपस्थित हैं, तो पीपल क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसीलिए प्लूरल वर्ब आर लगा हुआ है। नेक्स्ट, मोर बेंचेस आर रिक्वायर्ड हियर इन द क्लास, क्लास में ज्यादा बेंचेस की जरूरत है, तो बेंचेस क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसीलिए इसके साथ आर जो है प्लूरल वर्ब के रूप में यहां यूज हुआ है। ओके, मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन दिस, मोर ज्यादा सूचना की जरूरत है, मोर इंफॉर्मेशन, मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रहता तो यहां आर लग जाता, मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर नीडेड ऑन दिस, लेकिन यहां एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो यहां इंडिकेट किया गया है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, मोर ऑफ द स्टोरी इज फाउंड ऑन द नेट, एक कहानी मानो आप पढ़ रहे हो और कहानी पूरा नहीं पढ़ पाए तो बाकी के जो कहानी है तुम नेट पर सर्च करके तुम उसको देख सकते हो, तो एक ही कहानी का बात हो रहा है इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक पार्टिकुलर स्टोरी की बात हो रही है, मोर पीपल विल ज्वाइन द पार्टी, पीपल क्या है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, विल ज्वाइन, यह ज्वाइन क्या है वर्ब है, अगर एक आदमी की बात होती वन पर्सन की, पर्सन की बात होती है तो यहां ज्वाइंस हो जाता, हाँ वन या ज्वाइंस, विल के साथ तो ज्वाइंस नहीं होगा, हाँ विल के साथ, ये विल के साथ आपका सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है, हाँ विल के साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं होता है, सॉरी प्लूरल वर्ब यूज होता है सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होता है इसमें, सॉरी इसका मतलब कि इसमें एस नहीं लगेगा, विल के साथ कभी एस नहीं लगता है। जहां पीपल के बात होती है, जहां पीपल के बात होती है वहां जैसे अगर या पर्सन रहता, पर्सन से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाते वन पर्सन ज्वाइंस द पार्टी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां ढेर सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है इसीलिए यहां ज्वाइन जो लगा है ये प्लूरल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, नॉट सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट पीपल आर टेलिंग मी द सेम थिंग, मतलब अधिकांश लोग मुझे वही सेम चीज बता रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। ओके, तो पीपल क्या है ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब आर लगा हुआ है। मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इज टू क्रिएट अ लेसन प्लान, या वर्क की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म इज द स्नेक इन द मंकी शैडो आई हैव एवर सीन, मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म इज द स्नेक इन द मंकी शैडो आई हैव एवर सीन, तो यहां एक फिल्म की बात हो रही है उस फिल्म के नाम है द स्नेक इन द मंकी शैडो। ठीक है, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर वेल्दी मर्चेंट्स, पीपल की बात हो रही है, पीपल बोलने से ये प्लूरल है इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है आर का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो द आंसर, स्टूडेंट्स यहां प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग
हुआ है? नो, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। एक इंटरेस्टिंग किताब की बात हो रही है, लेकिन यह आई सब्जेक्ट, तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, इसीलिए यहां हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड डन देयर होमवर्क। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए हैड का प्रयोग हुआ है। पास्ट टेंस में है सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, जब पास्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह लगता है। ठीक है, अगर यहां आप प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं तो यह हैव लग जाता। ठीक है, नॉन ऑफ द फ्रूट्स सॉरी फंड्स हैव बीन यूज्ड ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नॉन ऑफ द, जो भी फंड्स थे कुछ भी यूज नहीं हुआ है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो फंड्स क्या है? प्लूरल है, इसीलिए हैव प्लूरल लगा हुआ है। नॉन ऑफ देम वॉन्टेड टू आउट फॉर गो आउट फॉर डिनर। None of them wanted to go, यहाँ छुटा हुआ है, go out for dinner. None of them wanted to go out for dinner. कोई भी dinner के लिए जाना नहीं चाहता था। यहाँ go जो use हुआ है, ये verb का use हुआ है, go का। ठीक है, plural से को indicate करता है, मतलब none means कोई भी नहीं। ठीक है, none of the stories are good in this book. ढेर सारे story है, इसमें कोई भी stories सही नहीं है, अच्छे नहीं है। तो यहाँ स्टोरीज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉन्ट टू फेल। स्टूडेंट्स क्या है? ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब वॉन्ट का यूज हुआ है। वॉन्ट्स होने से ये सिंगुलर हो जाता, वॉन्ट्स का यूज, लेकिन वॉन्ट्स का यूज नहीं हो सकता है, वॉन्ट का ही यूज हुआ है, यही सही है। नन ऑफ द थीव्स वेयर कॉट। थीव्स की बात हो रही है, ढेर सारे चोर के बारे में, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब वेयर लगा हुआ है। ओके, सम इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। सम इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन, एक वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया, वो जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना मिला, वो कुछ हद तक सही है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। Some people are selfish. People क्या है? कुछ लोग। People means लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग, जहां लोगों की बात होती है वहां people लगता है। तो people यहाँ subject है, plural है, इसीलिए plural verb are का प्रयोग हुआ है। Some hotels are good. यहाँ कुछ hotels की बात कर रहे हैं। Hotels क्या है? ये subject plural है, इसलिए plural verb are का प्रयोग हुआ है। Some of the women were happy. कुछ औरतें, ये औरतें, विमेन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए प्लूरल वर्ब वेयर का यूज हुआ है। सम रेस्ट फॉर एवरीवन इज नेसेसरी। सम रेस्ट फॉर एवरीवन इज नेसेसरी, कुछ आराम जरूरत है कि हर किसी के लिए। तो यहां इज का प्रयोग, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। सम रेस्ट फॉर एवरीवन, एवरीवन मतलब हर एक, हाँ, प्रत्येक, एक एक करके प्रत्येक बनता है, यहां सिंगुलर है, इसीलिए इज का प्रयोग हुआ है। सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड। यहां पिक्चर्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर कॉन्कर्ड, दिस लेसन। सो I bid you goodbye. I'll come with a new topic in the next class. Thank you.